संतराम कुशवाहा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोराही हमीरपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजीत यादव ग्राम प्रधान पचखुरा बुजुर्ग विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त क्षेत्र व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित कुमार त्रिपाठी प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय रोहारी विकास खंड मौदहा जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त क्षेत्र व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश यादव ग्राम प्रधान चगदहा विकास खंड मौदहा जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त क्षेत्र व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक यादव ग्राम प्रधान बिरखेरा ग्राम पंचायत विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त क्षेत्र व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उदय भान यादव ग्राम प्रधान नदेहरा विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों सहित जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकरण सिंह प्रदेश सचिव अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों जनपद वासियों सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप कुमार यादव ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गुरदहा विकास खंड मौदहा जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त ग्राम वासियों एवं क्षेत्र वासियों सहित जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भरत कुमार श्रीवास युवा नेता समाजवादी पार्टी व वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बिम्बार विकास खंड मुस्करा जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त ग्राम वासियों एवं क्षेत्र वासियों सहित जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महेंद्र प्रताप ग्राम प्रधान मुस्करा ग्राम पंचायत हमीरपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम सेवक वर्मा सचिव विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय दीक्षित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संध्या पाल ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत टिकरौली विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य प्रकाश गुप्ता एडीओ पंचायत अधिकारी विकास खंड मुस्करा जनपद हमीरपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं जनपदवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा तहसीलदार मौदहा जनपद हमीरपुर की तरफ से समस्त जनपदवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी में। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर और साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं उन वीरांगनाओं के बारे में जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। आजादी में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है विशेष महत्व। आजादी के लिए इन्होंने किया था त्याग और बलिदान। देश के लिए सब कुछ किया था न्योछावर। इन वीरांगनाओं ने अंग्रेजों से मनवाया था लोहा। इनसे थर थर कांपते थे मुगल और अंग्रेज शासक। इनकी कहानी देशभक्ति की है मिसाल। इतिहास पर छोड़ गई अपनी अमिट छाप। देश इन वीरांगनाओं को कर रहा नमन।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। तो चलिए जानते हैं इन वीरांगनाओं के बारे में। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और भारत को आजादी दिलाने में पुरुषों के साथ महिला वीरांगनाओं का भी बड़ा योगदान रहा है, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। जी हाँ, भारत के गौरवशाली इतिहास में जब जब वीरांगनाओं का जिक्र किया जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचना झांसी की रानी में इसी पराक्रम का जिक्र करते हुए लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवलकर से हुआ। यही से उनका नाम बदलकर मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई पड़ा। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि केवल 4 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो गया। इसके बाद राजा ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। हालांकि इसके कुछ दिनों में राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने अवसर देखकर झांसी पर हमला बोल दिया। झांसी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इसमें कई अंग्रेज मारे गए। 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। युद्ध अब चरम पर पहुंचा। तब रानी दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध घोड़े की लगाम मुंह में दबाए दुश्मनों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने लगी। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वो सोन रेखा नाले की ओर बढ़ चली, किंतु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान रानी का एक सैनिक उन्हें लेकर पास के एक सुरक्षित मंदिर में पहुंचा, जहां पुजारी से रानी ने कहा, मेरे बेटे दामोदर की रक्षा करना और अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। इतना कहते हुए रानी ने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में लकड़ियां एकत्रित कर रानी के पार्थिव शरीर को अग्नि दी। और आज भी लोग कहते हैं, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की परछाई बनी थी झलकारी बाई। सन 1857 की जंग आजादी में शामिल थी झलकारी बाई। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह था पाला। उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी झलकारी। झलकारी बाई को युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त हुई। झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई के तरह ही हमारे देश में कई महान लोग हुए। दुर्भाग्य से कई के साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया और उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल सकी।